एक तरफ सिक्का अगर खोटा हो गया, घिस गया पूरा, दूसरी तरफ सिक्का चाहे कितना भी साफ बढ़िया क्यों ना हो, एक तरफ का घिसा सिक्का, एक तरफ का खोटा सिक्का, दोनों तरफ का खोटा माना जाता है। समझ गए बात को? इसी प्रकार भक्ति के दो पहलू हैं, एक भक्ति जो क्रिया में आती है, जो आपको मैं सुना चुका हूँ दिनचर्या कैसी थी, ये भक्ति, और दूसरा पहलू क्या है भक्ति का, भक्तों जैसा स्वभाव। दोनों बातें होनी चाहिए, मन भी पवित्र हो, दोनों प्रकार की बातें मन में हो, तब भक्ति फलित होती है। अब इसका देखिए स्वभाव कितना बढ़िया था। थे वो सतो गुणी संतोषी, सच्चे सरल सदाचारी, झूठ कपट छल छिद्र लोभ नहीं, उसका मन था अविकार। यह भक्तों का स्वभाव। थे वो सतोगुणी, शांत स्वभाव के, शील स्वभाव के, क्षमाशील, परोपकारी थे वो सत्वगुणी और संतोषी, संतुष्ट येन केनचित, संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। गीता जी कहती है मेरा भक्त सदा संतोषी रहता है, जो भी उसको मिला, जितना मिला उसी में वो खुश है, उसी में संतोष मान लेता है, हाय हाय नहीं करता। थे वो सतोगुणी संतोषी और सच्चे और सरल और सदाचारी, सच्चे इंसान थे, सरल थे, कोई छल कपट नहीं, सरल स्वभाव न मन, क्योंकि माया में पड़े थे उनका भी भला कर। रामायण कहती है ये भक्तों के लक्षण है, सरल, कोई फरेब नहीं, और सदाचारी, सदाचार का पालन करने वाले थे, और झूठ का पट छल छिद्र लोभ नहीं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। झूठ नहीं, फरेब नहीं, कपट नहीं, छल छिद्र नहीं, और उनका मन था अविकारी, ऐसे पवित्र उनका मन था। बस मन इतना साफ मन होगा और फिर इधर भक्ति करेंगे तो बहुत जल्दी, जैसे सोते उठे, कई बार हम भक्ति जैसे सोते मन की तरफ जाने देते, मन गलत रास्ते पे चलता है, और कई बार मन साफ होता है लेकिन भक्ति भावना नहीं होती। दोनों होने चाहिए। देखो यदि तुम केवल मन को पवित्र रखोगे और भक्ति नहीं करोगे तब भी भगवान नहीं मिलेंगे, लाख मन पवित्र हो जाए, यदि भक्ति नहीं करोगे नहीं मिलेंगे भगवान, और यदि भक्ति खूब करते हो मन को पवित्र नहीं रखोगे तब भी कुछ होने वाला नहीं। रावण खूब भक्ति करता लेकिन मन पवित्र नहीं। अब ऐसा उदाहरण बताओ, मन अपवित्र और क्रिया पवित्र, रावण की भक्ति पवित्र है लेकिन भावना पवित्र नहीं थी, इसलिए भगवान नहीं मिले। और एक ऐसे भी व्यक्ति है जिनके भावनाएं बड़ी पवित्र हैं, काम क्रोध लोभ ईर्षा द्वेष निंदा चुगली अपना पराया कुछ भी नहीं, मन बिल्कुल पवित्र, लेकिन भक्ति नहीं, इसलिए भगवान उदाहरण बताओ मेरी माताओं सज्जनों, कोई उदाहरण बताओ, मन बहुत पवित्र है, इतना भी अवगुण नहीं मन में, लेकिन भक्ति भावना नहीं है, इसलिए उसको भगवान नहीं मिले, पवित्र मन होने के बाद भी भगवान नहीं मिले, बताओ कौन है वो? रावण को तो बता दिया कि मन गंदा, भक्ति खूब करता है, नहीं मिले। अब इससे उल्टा है, रावण से उल्टा है कि मन बिल्कुल पवित्र लेकिन भक्ति नहीं है, इसलिए भगवान नहीं मिले। मन पवित्र होने के बाद भी भगवान नहीं मिले, बताओ कौन है? नहीं पता, सुन लो, बच्चा है, अभी जो गोद में खेल रहा है बच्चा, भी जो पैदा हुआ है वो बच्चा, उसका मन कितना पवित्र है मन में कोई काम क्रोध लोभ ईर्षा द्वेष निंदा चुगली अपना पराया, उसको तो अपनी माँ में दूसरे की माँ में कोई अंत नहीं लगता,
उसको गाली दे दो कोई असर नहीं होता है। उसके मन में कोई विकार बच्चे के मन में नहीं है ना, तो फिर उसको भगवान दर्शन क्यों नहीं देते प्रकट होके, उसका उद्धार क्यों नहीं कर देते जब उसका मन पवित्र है। कि बच्चे का मन तो पवित्र है लेकिन उसके पास भक्ति नहीं है, भावना नहीं है भगवान को लेकर, भक्ति भावना उसके पास नहीं है। इसलिए बच्चे का मन पवित्र होने के बाद भी उसका उद्धार नहीं होता। मन पवित्र है लेकिन भक्ति तो करते ही नहीं, और रावण भक्ति करता है मन पवित्र नहीं होता। दोनों काम एक साथ करने हैं, भक्ति भी करनी है और किसी का बुरा नहीं करना, ईर्षा द्वेष निंदा चुगली नफरत किसी का कुछ बिगाड़ना नहीं। सहलो, कुछ नहीं बिगड़ता सहने में, कहने से कुछ बचता नहीं और सहने से कुछ बिगड़ता नहीं। आप करके देख लो, अब की बार सास जो भी बोले सहना नहीं बिल्कुल भी, तुरंत कह देना मुंह पे धाड़ से, देखो तुम्हारा कुछ बच भी जाए तो जीना हराम हो जाएगा, जिंदगी नरक बन जाएगी कहने से। और सहलो, सहलो अगर कुछ बिगड़ जाए तो घर बन जाएगा, बस जाएगा, उजड़ा घर भी बस जाएगा सहन करने लगे तो, और कहने लगे तो बसा बसाए भी बिगड़ जाएगा। आप बताओ फिर सहना ठीक है कि कहना ठीक है? सहना ठीक है। घर उजाड़ना चाहते हो कि संवारना चाहते हो? कैसे सिमरेगा, सहने से कि कहने से? और तुम क्या करते हो ईमानदारी से बताना, यहां तो बड़े शरीफ बन जाते हो। हाँ सहना चाहिए, तो क्यों नहीं सहते? क्यों फिर घर घर में कलेश? क्यों हमारे पास मुकदमे आते हैं फिर? पता सबको है, पता सबको है किस रास्ते से भगवान मिलेंगे, किस रास्ते से शांति होगी, किस रास्ते से घर बसेगा, ये पता सबको है। रावण को भी पता है कि पर नारी क्या होती है, रावण ज्ञान जानता है, चारों वेदों का विद्वान है वो, ज्ञाता है, साधारण नहीं है रावण, बहुत बड़ा ज्ञानी है, पंडित महापंडित है, जानता है लेकिन मानता नहीं। आप लोग भी जानती हो पर मानती नहीं। मेरी माता सह के देख लो तुम्हारी सास कितनी तुम्हारी प्रशंसा करने लग जाएगी, तुम्हारा पति भी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पड़ोसी। सहने में बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, जिसके अंदर सहन शक्ति है ना, इसका मतलब व्यक्ति बहुत बलवान है, वो साधारण नहीं है। क्योंकि हम बड़े बड़े काम कर लेते हैं लेकिन सह नहीं पाते, ये ज़्यादा जोर लगता है। सबसे ज़्यादा जोर किस में लगता है? सहने में। कहने में जोर नहीं, धाड़ से मारो फेंक करके जुबान लंबी। एक पति अपनी पत्नी की प्रशंसा कर रहा है अपनी पत्नी के सामने कि गजब की कंट्रोलिंग पावर तुम में देखी मैंने, गजब की कंट्रोलिंग पावर। क्या? कि तुम्हारी शुगर 500 रहती है, तुम्हारी शुगर 500 रहती है, मजाल जो जुबान पे आ जाए तो इतना कंट्रोल है। इतनी शुगर है तुम्हारे भीतर लेकिन मजाल है जुबान पे आ जाए, कितनी कंट्रोलिंग पावर है तुम्हारी। नहीं होता सहन, सह गए प्रभु चरणों में रह गए, अगर कुछ कह गए तो माया में बह गए। सह लो, और सहना पड़ेगा जीने के लिए, सहना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारा पति चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तुम्हारी सास, तुम्हारी बहू, तुम्हारे बच्चे, कोई भी कितने भी अच्छे क्यों ना हो, तब भी गलती उनसे बनेगी बनेगी बनेगी। इंसान है, भगवान नहीं है वो, कोई अवतार लेके कोई आए, सीता नहीं आई तुम्हारी बहू बन के, या कौशल्या नहीं आ गई तुम्हारे यहाँ सास बन के। कलयुग की जीव है सब, बहू भी कलयुग जैसी। अब पति तुमको राम जैसा चाहिए और स्वयं सीता जैसी, स्वयं सुरूपणखा जैसी हो तो नाक ही कटेगी। सुरूपणखा ही तो करती है, पति किसको बनाना चाहती है? राम जी को। अरे सीता जैसी बनो तब राम जैसे पति होंगे, और सुरूपणखा बनकर के राम जी जैसा पति मिलेगा? नहीं मिल सकता।
तुम सीता जैसी बहू बनो, तुमको कौशल्या जैसी सास, तभी आशा रखना कौशल्या जैसी की। जब तुम सीता जैसी बहू नहीं तो कौशल्या जैसी सास की इच्छा रखोगे? तुम सीता जैसी पत्नी नहीं तो राम जैसा पति कहां से मिल जाएगा? तुम भरत जैसे भाई नहीं तो राम जैसा भाई कहां से मिलेगा? इसलिए आशा मत रखो किसी से कि मेरी सास कौशल्या जैसी हो। एक लड़के ने कहा, तुम्हारे लिए लड़का देखा है, तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, कैसा घर बार? तो लड़के ने कहा पंजाबी में, सस होए तो चंगी होए, नहीं तो फोटो टंगी होए। पति जैसा भी है मैं झेल लूंगी, लेकिन सास नहीं झीलेगी मुझसे। या तो अच्छी हो या फिर उसकी फोटो टंगी हो दीवार पे, हार डला हुआ हो, मतलब हो ही ना। सस होवे तो चंगी होवे, नहीं तो फोटो टंगी होवे। लेकिन कैसे भी सास क्यों ना हो, तुम्हारे हाथ में है, सूत्र मैंने दे दिया, सहना सीखो कहना भूल जाओ, सुनिए सबकी कहिए ना कछु। उसके बाद देखना, एक दो साल तक हमारी बात मान के रखना, आंखों पे बांधो पट्टी, मुंह पे लगा लो ताला, कानों में डालो रुई और हाथ में ले लो माला। कुछ समय तक ससुराल में लड़कियां छोटी छोटी बन के रहे, छोटी बने बिना बड़ी नहीं बन पाएंगी, छोटा बने बिना कोई बड़ा नहीं बन सकता। तुमने बच्चे को पैदा किया तो हाथ ही नहीं पैदा कर दिया, इतना बड़ा पला पलाया, छोटा सा था वो, छोटा पैदा हुआ तो बड़ा भी होगा। पेड़ पहले छोटा ही होता है फिर ही बड़ा बनता है, फूल भी जब खिलता है पहले छोटा होता है कली, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए तुम पहले दिन ही रानी बनने की कोशिश मत करो, ससुराल में जाकर पहले दिन ही खिलने की कोशिश मत करो, पहले दिन ही बड़ी बनने की कोशिश मत करो, पहले दिन बहू रानी बनने की, रानी बनने की कोशिश मत करो, पहले छोटा बन के रहो, बड़े बन जाओगे, खिल जाओगे। जिसे छोटा बनना नहीं आया वो जीवन भर बड़े बनने की कोशिश करता रहेगा लेकिन बड़ा बन नहीं पाएगा, कुचला जाएगा। इसलिए बड़ा बनने की कोशिश मत करो, बड़े तो फिर तले जाते हैं, खाए ना दही बड़े बड़े तो फिर तले जाते हैं। बताओ छोटी इलायची में ज्यादा खुशबू होते कि बड़ी इलायची में? बोलो, बड़ी इलायची तो देखने में भी सुंदर नहीं होती, तो बड़ी इलायची बनना के छोटी? मारूंगा थप्पड़ खींच के, झूठ बोल रहे हो, बनना चाहते हो बड़े और मेरे सामने बन गए सिरे में, तो छोटे बनना कैसे बनना चाहते हो? छोटे बनना आ गया होता अब तक रानी बनती घर में, राज करती, तकरार घर के खत्म हो जाते। छोटी इलायची छोटी बनो, बड़ी इलायची नहीं। बड़ी इलायची को डायरेक्ट मुंह में डालेगा, छोटी को डायरेक्ट मुंह में डाल देते, छोटी है ना, और बड़ी इलायची कुटाई होगी उसकी, है ना। और बड़े जो होते हैं दही बड़े तो पहले तले जाते हैं, इसे बड़ा नहीं बनना छोटा बनना है। पंजाबी में कहावत है ना, नीमा होके चल नी नीमियानु रब मिलदा, छोटा होके चलो। अब घर में कौन आई है, बेटे की शादी हुई तो घर में कौन आई है, क्या कहते तुम उसको? बहु रानी, है ना, वो भी कहते मैं बहु रानी। रानी तो पहले उस घर में थी, सास वो भी तो उस घर की बहू है कि नहीं? बोलो, सास भी तो उस घर की बहू है, तो बड़ी कौन है? सास रानी। अच्छा बताओ, एक 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 राज्य में कभी दो रानियां होंगी? और अगर दो हो गई तो वही होगा जो जो महाराज दशरथ का हाल हुआ, है ना, सोतिया डहा। तो रानी एक ही बढ़िया है, सुख से जिएगी,
इसलिए बहु रानी अभी तू रानी पने को हटा दे, अभी सास को ही रानी बनने दे, उस घर की रानी वही है, तू क्या बन के रहेगी बोलो है? रानी बनने का शौक है तो रानी से पहले बहू को हटा दो, बहू रानी नहीं बनना, रानी रहने दो, अगर रानी बनने का ज्यादा शौक है रानी बने रहने दो, लेकिन बहू को हटा के वहां नोक लगा दो। बहू शब्द को हटाकर क्या लगाना है? नोक। तो क्या बन गया? नोक रानी। आज की नोक रानी कल की महारानी है, और जो पहले दिन ही महारानी बनने की कोशिश करेगी वो कल की नोक रानी से बदतर हो जाएगी। ध्यान रखना मेरी बात को, सूत्र बता रहा हूं। अब दो दो रानियां बनेगी, तू भी रानी मैं भी रानी, तो कौन भरेगा पानी? फिर तो होगी खींचातानी। और फिर नोक रानी बन करके बहू को क्या करना है? काम कर करके, सेवा कर करके अपनी नोक को घिसा देना है। नोक समझ गए? ये नोक है, ये नाक ही नोक है। नाक नीची रखो, अभिमान नोक अभिमान है, इसको झुका झुका के चलो, नाक ऊंची मत रखो भी। नौकरानी अर्थात काम सारे करने हैं, तुम भविष्य की रानी हो, काम सारे करने हैं लेकिन छोटा बन करके नौकरानी। फिर काम कर करके एक दो साल के अंदर अंदर अपनी पूरी नोक घिसा दो, काम कर करके, सेवा कर करके, मान की इच्छा नहीं करना, मान का दान करना है, सम्मान की कामना नहीं करना, सम्मान का दान करना, ससुर के प्रति, सास के प्रति, पति के प्रति, देवर जेठ के प्रति मान दान करो। इस नोक को बिल्कुल काट दो, छोटा कर दो, घिसा दो।